रिमेंबर दैट वन टाइम जब लोग कहते थे कि बिग बॉस वही लोग देखते हैं जो सबसे ज्यादा वेल्ले होते हैं, जिनके उसके काम धंधा नहीं होता। आज तुम्हें मैं दोबारा सोचने में मजबूर करूंगा, क्योंकि जो चीजें मैंने देखी अगर मैं उसे बिग बॉस से कंपेयर करूँ तो मैं एक बारी को बिग बॉस देखने वाले इंटेलेक्चुअल लगने लगेंगे। तब मैं बचपन में एक शो देखा करता था जहाँ पे जो है एक रूम होता था जिसके अंदर दो जज बैठते थे, ठीक है, और उनके सामने फैमिली आती थी जो अपने दुखड़े सुनाती थी, एंड ये दो जज उनकी फैमिली के दुखड़े सुनने के बाद भूत है क्या बेंच, और जब ये अपने दुखड़े सुना के खत्म हो जाते हैं तो ये जज उन्हें बताते हैं कि देखो सब सही हो जाएगा, एंड एट द एंड ऐसा कुछ नहीं होता, इनको तो पैसे मिल जाते हैं अपनी एक्टिंग करने के। टाइम किसका बर्बाद होता है, हाउस वाइफ। मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कि इस शो में क्या होता है, मैं सीधा दिखा देता हूँ तुम लोगों को ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि ये किस लेवल का शो है, शायद तुम्हारा ओपिनियन बिग बॉस के लिए बदल जाए। अकेली रहने वाली लड़कियों और महिलाओं पर हो रही वारदात की खबरें सुनते और पढ़ते रहते, मगर क्या केवल इनको सुनना और इन पर चर्चा करना ही काफी? हाँ बहन के लोड़ा काम कर चल अपना। 6 महीने से जिस फ्लैट में मैं रह रही हूँ वहाँ मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं थी, वहाँ की सोसाइटी और सोसाइटी के मेंबर्स सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन पिछले 2 महीने से मेरे साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। उस सोसाइटी में ऐसा कोई है जो नहीं चाहता कि मैं वहाँ पर शांति से रहूं, और ऐसे में जहाँ सोसाइटी को मेरी मदद करनी चाहिए वहीं वो चाहते हैं कि मैं फ्लैट खाली कर दूं। है ना, आज वो सोसाइटी गोकुल धाम के नाम से जानी जाती है गाइस। इस फोरम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं थोड़ा दिखाते हैं वो क्या लिखा हुआ है वहां पे, है अनिल मिश्रा, एंड उसके नीचे क्या लिखा है, ओ अ फकिंग एक्टर। लोग इसे असली मानते थे भाई। इस फोरम में अपने सवालों के जवाब ढूंढते आई हैं, मैं कोशिश करेंगे और इस कोशिश में हमारी मदद करेंगे इस समाज के अलग अलग वर्गों से आए कुछ दर्शक गण जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका भी हम स्वागत करते हैं इस फोरम में। ओ माय गॉड, 10 more actors, इस शो का बजट कितना है भाई? उससे पहले मिस्टर जयंत और प्राची, हम आप दोनों से कहना चाहेंगे कि फोरम का जो भी अंतिम निर्णय होगा आपकी समस्या के संदर्भ में। ओके, सो शी इज माया समतानी, प्रोफेसर एंड चेयरमैन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एनजीओ। ओके, नाउ दैट्स फकिंग रीटा। जयंत जी, हम चाहेंगे कि आप इस बात पर रोशनी डालें कि आपकी सोसाइटी की तरफ से इन्हें एविक्शन लेटर क्यों दिया गया। हमने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ प्राची की भलाई के लिए ही किया है। उसे बोलने का मौका भी नहीं दिया, इसे बेसमेंट से बाहर किसने आने दिया। कुछ प्राची की भलाई के लिए ही किया है। मैडम, हम चाहेंगे कि कुछ भी कहने से पहले आप इस फोरम को अपना परिचय दें। मैं भारती देशपांडे, जयंत जी की पत्नी। ओके, सो दैट्स गुड, बट जयंत तुझे बेसमेंट में ताला बंद करना चाहिए था। मेरी छोड़िए आप, आप ये बताइए कि अगर आपके परिवार में आपकी लड़की के साथ ऐसा होता तब भी आप यही डिसीजन लेते? तुम्हें पता है जयंत जी को सबसे पहला डिसीजन क्या लेना चाहिए था? मजबूत ताले ताकि बेसमेंट का दरवाजा कोई खोल ना पाए। चढ़ा के ये सब बातें कर रही हो? अरे कितनी मामूली सी बात है, हमारे घर की डोरबेल बजाकर भी बच्चे भाग जाते हैं। लेकिन क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको कोई धमकी भरे खत भेजता है? वो व्हाट, नो ब्रो, मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे होता है, आई डोंट गिव अ फक, ठीक है, हल्की सी गांड फटती है लेकिन आई डोंट गिव अ फक। ओए कौन, कि रात को कोई पत्थर मार के आपकी खिड़की का शीशा तोड़ देता है और आपकी नींद खुल जाती है? भाई पहले कश्मीर मुंबई का पार्ट था क्या? होता है आपके साथ प्राची, आज तक हमारी सोसाइटी में ऐसा कभी नहीं हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्या प्रूफ है? मेरे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है बताओ? मेरे पास चिट्ठियां हैं, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, जिसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि किस तरह मेरी खिड़की का शीशा तोड़ा गया है। जितना एक सेकंड, क्या था लिखा, क्या लिखा है? यहां से चली जाओ। विक्रम सलूजा इन्वेस्टिगेटर, अब इसका प्रूफ कहाँ है? ये फ्लैट और सोसाइटी, वो कह रहा है मैंने नहीं करा। ये देखना उसकी शक्ल, ये फ्लैट, नहीं नहीं मैंने नहीं करा। ओके, टिपिकल एकता कपूर वीडियो इफेक्ट्स।
देखो मैं भी इंसान हूँ, तुम भी इंसान हो शायद, एंड देखो जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है, खासकर इस लेवल की, कि तुम्हारे घर पे कोई पत्थर मार रहा है, तुम्हें कोई कॉन्स्टेंटली हरास कर रहा है एक तरीके से, और भाई तुम्हारी दूध की थैली फाड़ देता है, दैट सीरियस ओके। ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम कहाँ जाते हो? कचहरी में, एक टीवी शो में नहीं, ओके? आप जिस सोसाइटी की बात कर रहे हैं जहाँ पर इज्जतदार लोग रहते हैं, शरीफ लोग रहते हैं, उसी सोसाइटी में मैं भी रहती हूँ और ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हो रही हैं वहीं पर। और जैन जी, मैंने सोचा था कि आप हर वक्त की तरह इस बार भी मेरी मदद करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला है। हाँ बता दूं आपको, ये तुम्हें किस तरह से मदद कर रहे थे? अरे भाटी ये तुम्हें किस तरीके की हेल्प दे रहे थे? क्या क्या फुट मसाज दे रहे थे घर आके? हाँ आंटी के कान खड़े हो गए भाई। आप खुद एक औरत होकर दूसरी औरत का डर, उसकी परेशानी नहीं समझ रही हैं? और क्या कर सकती हूँ मैम, मैं जो कुछ भी है सच बोल रही हूँ। देखिए ताली एक हफ्ते तो नहीं बजती। घर की लड़कियों के साथ ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ प्राची जैसी लड़कियों के साथ होता है। So let me take a moment and address something. हाँ मैं जानता हूँ मैं एक महीने के बाद वीडियो डाल रहा हूँ and वो भी shit post. Yeah, I know. Okay, fuck off. And देखो मैं बड़ी वाली वीडियो पर काम कर रहा हूँ, hopefully 31st तक आ जाए और मैं तुम्हारे साल का पहला दिन ही बर्बाद कर पाऊँ। एंड आज 25 तारीख है, सो या जय श्री क्रिसमस। एंड मैं चलता हूँ अब, मैं दो रात से सोया नहीं हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके बाय।